भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह एक भयानक हादसे का शिकार हो गए। 30 दिसंबर 2022 की सुबह तकरीबन 5:30 बजे दिल्ली देहरादून हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह जल गई। जैसे तैसे पंत ने अपनी जान बचाई और कार से बाहर निकले, लेकिन इतने में पंत बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हें घटना के कुछ देर बाद दिल्ली देहरादून रोड स्थित सक्षम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से अन्य उपचार के लिए उन्हें देहरादून रिफर किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली भी ले जाया जाएगा।